हाँ जी नमस्कार, हेलो गुरु नमस्कार, जी। बात हाँ कर रहे हैं? मैं रीता बात कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ, साहिबाबाद से। मैं ठीक, बताइए क्या काम बन गया आपके? मैंने अपने पेपर के लिए जो आपने एक साल पहले कुछ मंत्र डाला था उसमें उपाय डाले थे, हाँ तो मैं अपने बोर्ड के परीक्षा से ना मतलब कि बहुत टेंशन थी मेरे को, मैंने कुछ इतनी तैयारी नहीं की थी, तो मैंने आपका यूट्यूब पे चैनल देखा, उसमें आपने डाल रखा था परीक्षा की सफलता के लिए। जी हाँ तो आपने जैसे जैसे उपाय बोले थे मैंने वैसे वैसे किया था। वो पानी पानी में 3 बार फूंक मार के मंत्र बोलना था कुछ, तो वो चीज की थी मैंने। अच्छा, कैसे गया था आप एक बार बताइए ताकि सभी लोग सुन पाएं। अच्छा वो लास्ट महीना का लास्ट तारीख था, तो उसमें रात को मैंने पानी हाथ में गिलास लिया और ऊपर से हाथ मतलब गिलास पानी से ढक लिया और मैंने उसमें 3 बार फूंक मार के मैंने वो मंत्र बोला और मैंने मन में वो किया मतलब मेरा पेपर अच्छा जाए, पास हो जाऊं मार्क्स से। हाँ अच्छा, और कितने दिन में आपको तो रिजल्ट मिल गया? मेरे को 2-3 मंथ में आ गया था क्योंकि मेरे पेपर में आने में टाइम था, ठीक है। तो ठीक है। मेरे फर्स्ट टर्म के पेपर अच्छे गए, उसके बाद मेरे को थोड़ा आपके उपाय में विश्वास होने लग गया था कि हाँ मतलब कि अच्छा है, सच बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने मतलब कि उम्मीद मैंने ये नहीं किया कि हाँ हो नहीं रहा कुछ भी, ये सब नहीं किया मैंने, इंतजार किया। उसके बाद मेरे बोर्ड के पेपर हुए ना, मैंने उस टाइम मेरे को मैं मतलब तबीयत वबीयत खराब थी तो मेरा इतना अच्छा जा नहीं रहा था। फिर जब मेरा मतलब मैंने पेपर वेपर दे के मेरा रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए कि मेरे को तो मैं बहुत खुश थी उस टाइम, और मैं सिर्फ आपको याद कर रही थी अरे कि वो तो आपने बहुत अच्छी कितना बात अच्छा है। उपाय किया। अच्छा, ये कैसे किया था आपने और उपाय, और कितने दिन किया था? मैंने एक ही बार किया था, ये एक ही बार में मेरे को रिजल्ट मिल गया। एक अच्छा बार करके मैंने मतलब कि मेरे को लगा कि शायद बार बार करेंगे तो शायद ये हो ना, एक बार करके उसमें विश्वास करो तो फिर हो ही जाएगा, बस इंतजार करने की बात है। हाँ अच्छा 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 ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा रिजल्ट मिला। तो हाँ मैं सबको यही बताना चाहूंगी कि मतलब कि इस चीज में विश्वास करो। मैंने शुरू में मेरे को लगा कि मैं उस टाइम बहुत टेंशन में थी तो मैंने ये चीज किया और फिर अचानक से हो गया। अच्छा, पहली बार आपने हमारी वीडियो कब देखी हाँ थी? मैंने वो वाइब्रेशन वाली कुछ देखी थी। अच्छा, जो पहले बनाई थी हमने। हाँ तो वो आपने बहुत पहले बनाई थी तो तब मैंने देखी, उसमें व्यूज व्यूज वगैरह अच्छा आए थे तो मैंने ओपन किया, और तब वो चीज वो वीडियो देख के मैंने एक बार उसको ट्राई भी किया था, तो जी वो चीज देख के तब मेरे को लगा कि ये अच्छा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेती हूँ। अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा जो जो आपने उसमें जितने भी वीडियो डाल रखे हैं सब मैंने देखे, और जो जो मेरे को लगा कि हाँ मेरे लिए सही है इसको करना चाहिए वो मैंने किया, और मेरे को रिजल्ट भी मिला। ऐसा नहीं कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, देर से मिला पर मेरे को रिजल्ट जरूर मिला था उसका। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ लोग हमारे चैनल के बारे में कहते हैं कि हम तो लोगों से बुलवाते हैं या फिर झूठ बोलते हैं आप सब, तो मतलब क्या अरे कहना गुरु चाहेंगे आप? बुलवाने की क्या बात है, मैं तो बताना चाहती हूँ सबको, मैं आपका नंबर कितने साल से ट्राई करूँ, आप अगर देखे ना अभी मैं आपको बहुत मतलब बहुत साल से, एक बार आपने बोला था कि 5 बजे कॉल करूंगा जी जी तब आपने शायद किया नहीं, फिर जी भी जी मैंने इतना इंतजार किया। आज आज मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने न्यू वीडियो डाल रखी है, जी जी तो फिर आपने बोला कि आप वो कार्य हो रहा था तो अब वो पूरा हो गया, फ्री है, तो फिर आज मैंने मैसेज किया आज गुरु जी सुन जी लेंगे। जी जी आज आपकी मुरादें पूरी हो गई जी, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। और इसमें आपको कितना विश्वास हुआ जब आपने ट्राई किया उस टाइम पे, उस समय आपको कैसा लगा था कि ये वाकई में काम करते हैं उपाय? मैंने परीक्षा वाले उससे मैंने वाइब्रेशन वाला चेक किया था पहले, ठीक है। वाइब्रेशन सामने गिलास रखी मैंने और आंख बंद करके एकदम सब कुछ मतलब सब कुछ भुला के, और जो मैंने मतलब जो मेरे को मांगना था इच्छा में वो चीज मैंने मांगी, और मेरे को 1-2 दिन बाद रिजल्ट मिल गया।
अच्छा, आपके जैसे हाँ, काम एक दो दिन के, बाद मिल गया तो जैसे आपने कहा कि आपका काम बन गया, ऐसे आपकी तरह न जाने कितनी लड़कियां काम कर रही होंगी जिन्होंने उपाय किया होगा, उनका काम नहीं बन रहा, तो उनको दो शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, या तो उनके मन में कोई टेंशन होगा, या तो वो ढंग से कर नहीं पा रहे होंगे और आपको समझ नहीं पाए होंगे ढंग से, वरना मेरा तो एक ही बार में काम बन गया चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई भी इंसान सही तरीके से करेगा तो उसका काम ज़रूर बनता है, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। लेकिन लोगों के अंदर इतनी जल्दी होती है कि एक मिनट के हाँ। अंदर, एक मिनट में ही काम हो जाए, ऐसा मन में सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि काम हो जाए। नहीं, अगर ये चीजें रखेंगे ना तो फिर उनका काम नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी मैंने जैसे आपकी वीडियो देखी थी आपने बोला था कि मतलब कि दिमाग में कोई टेंशन वगैरह नहीं लेना और ये जल्दीबाजी नहीं करना कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, जैसा आपने बोला था मैंने वैसे ही किया था। चलिए चलिए, देखिए आपने जिस प्रकार से किया बिल्कुल सही तरीके से किया और आपको रिजल्ट मिला है, और आपको मिला तो दूसरों को भी मिलेगा, अगर जो कोई सही तरीके से करेगा तो। किसी भी प्रकार की हाँ त्रुटि होगी तो बिल्कुल। नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और इसी तरह से आपके काम बनते रहे, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जो कोई भी सुन रहे हैं वो भी अगर पढ़ाई के क्षेत्र में कोई उपाय करना चाहता है तो यह उपाय कर सकता है, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसका सबूत हमारे बिल्कुल सामने है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह से आप देखते रहिएगा दुर्लभ मेरे साहब। को भी अच्छा लगा। ठीक है, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। जिस प्रकार से इस कन्या के कार्य बने हैं ठीक उसी प्रकार से आपके भी कार्य सिद्ध होंगे यदि आपने भी पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को किया तो। इस कन्या ने जो उपाय किया उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिलेगा। उस वीडियो को अवश्य देखें और उसको आजमाएं और अपने जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल नंबर पाएं या अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इन उपायों से, इन टोटकों से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ये आपको पास कर देंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी मदद करेंगे, आपको एकाग्रचित करने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ, एक ऐसा अति प्राचीन मंत्र कह लीजिए या इसे चमत्कार कह लीजिए, ये बहुत ही जल्दी काम करता है और हर किसी के लिए काम करता है। यदि आप किसी के ऊपर वशीकरण करके थक गए हैं, बार बार आपने उसके ऊपर हर प्रकार से किया, YouTube पे आपने सारे चैनल देखे और सबकी वीडियो आजमाई, किसी ने कहा लौंग जलाओ, किसी ने कहा ये छुपा के रख दो, किसी ने कहा आटे में दबा दो, किसी ने कहा पेड़ हिला दो, इत्यादि आपने उपाय किए और आपका कार्य नहीं सिद्ध हुआ, तब आप इस उपाय को एक बार आजमा के देखिए। और संसार में यदि वह व्यक्ति जीवित होगा तो वह आपके पास आने को तड़पेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह आजमाया हुआ उपाय है, इसमें आपको संशय की आवश्यकता नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं करेगा, यह आजमाया हुआ उपाय है और हर बार यह उपाय काम करता है, चाहे इसको दिन में करो या रात में करो। इसको करने का सबसे अचूक तरीका और किस प्रकार से इसको किया जाए कि यह एक बार में सटीक काम करे, आपको दर दर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है, इस कदर काम करता है ये। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यदि आप दिन में करेंगे तो भी यह कार्य करेगा, और यदि आप रात्रि में करेंगे तो भी यह आपको 100% परिणाम देता ही रहता है। आज का ये जो मंत्र है, इसको बताने से पहले, इस उपाय को बताने से पहले, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि किसी के जीवन को खराब करने के लिए या चंद लम्हों के साथ के लिए इसका प्रयोग ना करें, कुछ मिनटों के सुख के लिए इसे कदापि इस्तेमाल ना करें। यदि आप किसी को अपने दिल से चाहते हैं और चाहते हैं कि वह आपके साथ पूरे जीवन भर रहे, आपके सुख दुख, आपके गरीबी, आपके हर एक मौसम में आपके साथ रहे, तो फिर आप इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा और इसके परिणाम हैरतअंगेज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको शुरू कैसे करना है। सर्वप्रथम आप
अपने इष्ट देवता को याद करें, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वही आपका इष्ट देवता होता है, उसको आप याद करिए। और उसको याद करने के बाद एक कागज़ की पर्ची के ऊपर अपनी इच्छा लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, अपने साथी को पाना चाहते हैं या उससे आप जो भी कार्य मनवाना चाहते हैं, वह उस पर्ची के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखें जो पढ़ा जा सके, चाहे आप उसे हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जिस भी भाषा में आप जानते हैं उसे, उस भाषा में लिख दीजिए। और एक गड्ढा खोदिए छोटा सा, उसमें डाल दीजिए, और उसके साथ ही एक पौधा लगा दीजिए आप उसी गड्ढे में जिसकी जड़ें जा रही हों, उसी प्रकार से आपको पौधा लगा देना है, यानी कि पौधे के जड़ के नीचे वो आपकी इच्छा है वो होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको एक पौधा लगाना है और मिट्टी डालकर आपको ऊपर से पानी डाल देना है। इसी प्रकार से आपको निरंतर करना है और आपको देखना है, यदि पौधा लग जाता है तो आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इसीलिए आपको यह प्रयास करना है कि यह पौधा मर नहीं ना पाए। वह पौधा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी इच्छा पूरी होती जाएगी। और इसमें और कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ एक आपको कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपको अपनी इच्छा लिखनी है। और आप चाहे इसे गार्डन में भी कर सकते हैं, एक गड्ढा खोदे छोटा सा, उस गड्ढे में वो इच्छा की जो पर्ची आपने बनाई है वो डाल दीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर एक पौधा लगा दीजिए, और आपका काम ख़त्म है। बस आपको उस पौधे में रोज़ाना पानी डालते रहना है, और यह ध्यान रखें कि वह पौधा मरने ना पाए। और यदि वह पौधा बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है या बहुत जल्दी उगने लगता है, तो आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, और यह बहुत बार आजमाया है, और यह हर बार कार्य करता है। और यह उपाय बहुत ही प्राचीन है, इसको बहुत ही पुराने समय में यूज़ किया जाता था, अमल में लाया जाता था अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। इसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपको इतना सा करना है कि अपने घर में जहाँ पे आपको ज़मीन दिखे वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोद के अपनी इच्छा एक कागज़ पे लिख के डाल दीजिए, और ऊपर से एक पौधा लगा दीजिए उस जगह पे, और उसके बाद आप समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इससे पहले आपके लिए एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि सजाड़ा धाम की आरती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको नहीं पता तो सजाड़ा धाम एक ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके पास है, आपके अंदर शरीर में है, तो आप यदि सजाड़ा धाम जाते हैं तो वह वहाँ पे टिक नहीं पाती, आपके शरीर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और उसकी जो आरती होती है वह आरती सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि उसकी आरती के अंदर इस प्रकार के जो मृदंग होते हैं या जिस प्रकार से वो चीज़ें वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, उनकी ध्वनि से ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो सारी नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ से हटा देती है। यदि आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप राजस्थान से 20 किलोमीटर दूर सजाड़ा धाम जाके देख सकते हैं, आज भी वहाँ पर इसी प्रकार से आरती की जाती है। तो इस आरती की धुन को आप अपने घर में रोज़ाना सुबह और शाम को बजाएँ, और इसके बजाने मात्र से आपके घर में हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी और कलह का नाश होगा, धन का आवागमन होगा। और मैं सबिंद्रा कुमार दास जो कि मुंबई से हैं, उनको कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आप हमारे ऑफिशियली ग्रुप में शामिल हो गए हैं और अब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो भी व्यक्ति या जो भी साधक हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहता है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकता है किस प्रकार से ग्रुप में शामिल होते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको मदद की आवश्यकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।